नमस्कार, रीजनिंग की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर डाइस के बारे में। इससे आपका एग्जामिनेशन में यूपी ट्रिपल एससी हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10+2 का हो, चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल का हो, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। इससे चाहे वो ओपन डाइस हो, चाहे क्लोज डाइस है, जब भी मतलब आपका होता है तो या तो ओपन डाइस से पूछ देगा या हो सकता है क्लोज डाइस से पूछ दे। तो अभी रिसेंट में जो आपका यूपी ट्रिपल एससी लोअर का जो रिजल्ट आया है, जितने विद्यार्थी सफल हुए हैं मेरे तरफ से उनको शुभकामनाएं, और जल्दी उनका बैच जो है स्टार्ट होगा। ठीक, हम लोग लेके आ रहे हैं धमाकेदार बैच, पूरा का पूरा वीडियो कोर्स उनको मिलेगा। ठीक, तो ये लोअर में जो पूछा था डाइस का एक नया क्वेश्चन दे दिया था आप लोगों के सामने, तो उसमें क्या हुआ था, बच्चे एकदम हैरान हो गए थे जब वो क्वेश्चन दिया। ऐसा नहीं था कि वो एकदम पूरा जी कोई उसमें एकदम रेगुलर की तरह क्वेश्चन था, और हमेशा क्या होता है बच्चे जो पढ़े होते हैं वही करके आए और आंसर गलत लगा दिए और फिर बाद में उस पर जो है आपत्ति जगाने लगे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो गलत क्वेश्चन है, इसका आंसर ये नहीं ये होगा। ठीक है, लेकिन वो जिस सेंस में पूछा था वो उसका अलग था थोड़ा सा उसमें, क्योंकि रीजनिंग में देखो कोई चीज़ टफ और हार्ड ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत हार्ड हो सकती है, वो समझने का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग वो कैच कर लेता है या नहीं कर पाता है। ठीक, उस तरीके से आप सोच पाते हो या नहीं सोच पाते जिस तरह से वो क्वेश्चन सेट किया गया रहता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा रीजनिंग में एक दो मिलेंगे जहाँ पे आपको एकदम नया सोचना होगा, जो सोच ले गया उसका सही, जो नहीं सोचा तो मैक्सिमम के तो यही आए थे हमारे पास रिव्यू जो आए थे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, हमने बताया था ये क्वेश्चन गलत नहीं है, उसका आंसर जो है आपका दूसरे तरीके से निकलेगा, हुआ यही जब आयोग की आंसर की आई तो उसने उसे सही माना था, बाद में भी सही माना, जितने रिव्यू देने के बाद भी लोग जब उस पर दिए तो वो मैं बताऊंगा आपको कि उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आपको करना होता है। तो आज हम शुरू करेंगे डाइस चैप्टर। शुरू करने से पहले सेशन आपको ये जितने भी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। ठीक है, और जो लोग अभी तक इस 10+ कोर्स के PDF सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिए हो, ले लो, जितने भी आपको लेक्चर्स दिए गए हैं जिनके छूट गए हैं वो नोट्स जो भी हो, नहीं देख पाए हो किसी कारणवश, वो आप नोट से पूरी की पूरी पढ़ सकते हो। तो उसके लिए आप 499 रुपये पे करेंगे और 3 महीने के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं परीक्षा प्लस ऐप से। तो हम आगे बढ़ जाते हैं और आज अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमें जो पढ़ना है मेनली वो डाइस के बारे में पढ़ना है। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो डाइस के बारे में होगा। एक क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी समझ लीजिए हमेशा यहां से पूछता है, एक क्वेश्चन आपका हमेशा हर एक एग्जाम में आपका आता ही आता है इसके। ठीक है, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका पुलिस बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड का एग्जाम हो, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक, अगर पुलिस का एग्जाम है, यूपीपी का एग्जाम है, तो आप समझ लो इसमें से 2-3, क्योंकि उसमें तो 50% रीजनिंग होता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। अब भैया डाइस में होता क्या है, आप एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसा क्यूब लाइक होता है। जब आप लूडो खेले हो बचपन में तो लूडो देखे होगे, तो ऐसे कुछ क्यूब लाइक होता है, मगर हमारे जो एग्जाम में आता है ना वो उसका व्यू अलग होता है। आप सिर्फ उसके 3 सरफेस आप देख पाओगे, यहां मैंने 6 सरफेस आपका बना दिया, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें आपका क्या होता है पॉइंट पहला कि इसमें 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 फेस होते हैं, पहला आपका सबसे ऊपर जो है इसे हम टॉप कह दें और नीचे वाले को बॉटम कह दें। ठीक है, ये आपका किस साइड में पड़ रहा है, किस हाथ में पड़ रहा है, राइट साइड में पड़ रहा है, तो ये राइट फेस हो जाएगा, और ऐसे ही इस वाले साइड को हम क्या कह दें, लेफ्ट फेस कह दें। ठीक, ये आपका इधर वाला जो आके निकलेगा ये फ्रंट होगा, तो इस साइड में एकदम पीछे क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो ये आपके 6 सरफेस हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। ठीक, तो ये तो क्यूब हो गया। डाइस कैसा होता है आप पूछोगे, सर जी डाइस कैसा होता है, डाइस तो ऐसा होता नहीं है, डाइस एक इसी का फॉर्म होता है, मगर हमें जो दिखता है वो मेनली जब हम देखते हैं, हम जब लूडो का वो गुट्टी जब डालते थे तो उसमें जो आता था हमें कितने दिखते थे, ये और ऊपर वाला फेस दिखते था, हमेशा हम ऊपर वाले को कंसीडर करते थे जो आता था,
इधर उधर वाले का तो कंसीडर नहीं करते थे, जो पहले फ्रंट एकदम टॉप पे आता था उसी को कंसीडर करके हम चलते थे। वही है आपको कि आप जब डाइस को देखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फेस दिखेगा, तीन फेस दिखेगा आपको डाइस में, ठीक है। बाकी जो फेस होगा आपका इसका वो क्या होगा, हिडन होगा, वो हमें पता नहीं रहेगा, ठीक। तो ये हमारा मैंने बना दिया कि ये आपका डाइस हो गया, ठीक, तीन फेस हमारा विजुअल होगा। अब इस डाइस से रिलेटेड आपको इसी टाइप से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आपको कहीं बना हुआ आएगा, ठीक है। और जब भी देखे हो इस डाइस से जो मेनली आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जो केसेस बनते हैं कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में कितने टाइप के केस बनता है, तो पहला केस आपका ये बनता है कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला केस तो सिंपल होता है कि जब आपके पास सिर्फ ना एक पोजीशन डाइस की दिया रहे, व्हेन अ सिंगल पोजीशन, ठीक, सिंगल पोजीशन चाहे सिंगल डाइस, डाइस इज गिवन, जब आपके पास एक सिंगल पोजीशन डाइस जो है दिया रहे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि सिंगल डाइस दे देगा और आपसे वहां से क्वेश्चन उठाएगा कि इसके अपोजिट उसके अपोजिट क्या होगा। दूसरा आपका केस किस टाइप का बनता है, जब आपके दो पोजीशन दिए हों डाइस के, ठीक, जब दो पोजीशन डाइस के दिए हों। तीसरा केस, केस थर्ड, केस थर्ड मोर देन टू पोजीशन दिए हों, ठीक है, मोर देन टू पोजीशन दिए हों डाइस के। और केस फोर्थ जो होता है आपका, ये क्या होगा, ये आपका केस फोर जो होगा वो होगा ओपन डाइस का, ये क्वेश्चन हो गया। ये इतने जो केस आपके थर्ड बनेंगे ये आपके क्लोज डाइस से बनेंगे, क्लोज डाइस मतलब मैंने ये बता दिया। अब इसको जब ओपन करेंगे छयों फेस इसके खोल के हम रख देंगे आपके सामने, तो वो हो जाएगा ओपन डाइस, उसको भी हम पढ़ेंगे। एक एक केस को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किससे कौन सा क्वेश्चन आता है आपके पास। तो चलिए हम पहले अपने केस को डिस्कस करेंगे। पहला केस, जब एक सिंगल पोजीशन आपका डाइस का दिया गया हो तो क्या होगा, ठीक है। अब आपके पास, मेरा पहला केस आपके पास है ये, आप जब सिंगल पोजीशन आपका डाइस का दिया हो तब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है, किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके पास ये डाइस दे दिया और आपसे पूछा कि इसके अपोजिट, दो के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा। तो इस केस में, पहले केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, जो पहला केस होगा, केस फर्स्ट, जब सिंगल पोजीशन अगर आपके पास डाइस का दिया हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको डाइस पहचानना है कि डाइस कैसा है, क्योंकि डाइस में भी अब क्या आ जाता है, टाइप आ जाता है। जो बचपन में आप लोगों ने पासा जो खेला वो कैसा पासा होता था, वो मानक होता था, उसमें मानक पूरा मान दिया रहता था कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जब उसमें देखे तो आपका जो डाइस का टॉप होता था, ठीक है, जहां अगर एक है, एक बिंदु, एक डॉट पड़ा रहेगा, उसके पीछे वाले हिस्से में देखोगे, अपोजिट में देखोगे, तो हमेशा कौन सा डॉट होगा, छह डॉट होगा। इसीलिए बचपन में क्या करते थे, एक काम तुम लोग, कि जो आपका डब्बा होता था जिसमें हिला के और पलटना होता था, तो क्या करते थे, एक ऐसे रखते थे और सीधे सीधे ऐसे पलट देते थे, जब बेईमानी करना होता था, नहीं आता था, जब आप लोगों से सिक्स नहीं आता था, ठीक। तो वही होता है, उसमें मानक दिया रहता है, मानक पासा उसे हिंदी में बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मानक पासा को, स्टैंडर्ड डाइस। तो नोट कर लेना स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, कि ऐसी डाइस, ऐसा पासा जिसके, ठीक है, विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या हो, सात हो। विपरीत सतहों के अंकों मतलब अपोजिट सरफेस के, ठीक है, अपोजिट सरफेस के जो डिजिट हैं उसका सम क्या हो, सेवन हो। ऐसे पासे क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहलाते हैं, ठीक है, लिख लिए। ऐसे पासे जिनके विपरीत सतहों के अंकों का योग सात हो, जैसे
मैंने बताया कि अगर आपका किसी एक सतह पर एक है तो उसके विपरीत पे क्या होगा कि सात हो जाए, छह होगा, तभी तो इनके अंकों का योग क्या होगा, 6+1=7। ऐसे ही किसी विपरीत पे दो है तो उसके एक सरफेस पे दो है तो विपरीत सरफेस पे क्या होगा, पांच होगा, तभी ये सात होगा। तीन है तो इसके विपरीत पे क्या होगा, चार होगा, तभी ये सात होगा। हो गया ना पूरा, एक दो तीन चार पांच छह हो गए, पूरे छह ही सरफेस होते हैं और छह तक गिनती लिखी रहती है। तो वही बोले मैंने ये दोनों तरफ एरो क्यों लगाया है कि अगर पांच है किसी सतह पे तो उसके अपोजिट में क्या होगा, दो। ये एकदम मानक है, ये मान दे दिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इसे मानक पासा बोला गया। ठीक है, स्टैंडर्ड है ये, और यही आपको आप लोग लूडो में यूज करते थे। ठीक, दूसरा पासा क्या होता है डाइस, वो होती है जनरल डाइस। ठीक है, साधारण पासा लिख लो बच्चों, क्या होता है साधारण पासा, ये होता है कि किसी भी डाइस की किसी भी दो पड़ोसी सतहों का एडजेसेंट सरफेस, किसी भी दो पड़ोसी सतहों के अंकों का योग अगर सात हो जाए तो वो डाइस क्या कहलाता है आपका, जनरल डाइस कहलाता है और साधारण पासा कहलाता है। किसी भी दो क्या पड़ोसी सतहों के अंकों का योग अगर सात हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अगर भैया तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी मिलके सात हो गए तो वो क्या कहलाएगा आपका, जनरल डाइस कहलाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा थ्री, यहां लिख दिया फोर, यहां लिख दिया फाइव, तो भैया यहां पड़ोसी दोनों दो पड़ोसी सतह मिला के क्या बन गए, सात बन गए। तो जब ऐसा हो कि किसी दो पड़ोसी सतहों के अंकों का योग एडजेसेंट सरफेस के अंकों का योग सात हो जाए तो वो डाइस आपकी क्या कहलाएगी, जनरल डाइस कहलाएगी। ठीक, तो इस केस में, जनरल डाइस के केस में हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि चार के अपोजिट में क्या होगा, तो स्टैंडर्ड में तो पता कर लेते थे चार के अपोजिट में भैया वही होगा क्योंकि मानक है, तो मानक में अपोजिट मतलब विपरीत सतहों के अंकों का योग सात होता था। मगर यहां हम नहीं पता कर पाएंगे कि चार के अपोजिट में क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे साधारण पासा अगर सिंगल आपके पास दिया है तो। हम क्या निकालेंगे इस केस में, हम ये देख बता देंगे कि भैया चार के अपोजिट, हम ये बता सकते हैं कि आपका चार के अपोजिट ना तो तीन होगा ना ही पांच होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया ये तो पड़ोसी हैं, तो जो पड़ोसी होंगे वो कभी आपसे अपोज नहीं करेंगे, मतलब अपोजिट नहीं जाएंगे आपके वो। दूसरी बात है कि आजकल ये उल्टा होता है कि पड़ोसी ही क्या करते हैं आपके, उल्टा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां वो ना ध्यान रखना, ये अचानक बहुत क्लोज पड़ोसी हैं आपके तो वो कभी आपके विपरीत नहीं जाएंगे, तो ये ध्यान रखना कि पड़ोसी कभी विपरीत नहीं जाता है, तो इससे याद रहेगा। तो पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता, मतलब तीन और पांच आपका उससे विपरीत में नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, तो भैया जो नहीं दिख रहा है वही उसके विपरीत हो सकता है, हम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते क्योंकि इसका मान तो पता नहीं है, मानक पासा तो है नहीं भाई साहब। तो हम ये कह सकते हैं कि चार तीन पांच हमें दिख रहा है, इसके अलावा जो अंक होता है जैसे एक दो तीन चार पांच और छह, इससे अलावा जो सात, तो तुम्हारे पासे में तो अंक होता नहीं है, ऐसा तो कोई पासा देखे नहीं होगे। तो इसके अलावा जैसे तुम यहां सरफेस कितने दिख रहे हैं, तीन चार पांच वाली दिख रही है, तो तीन चार पांच वाले के अलावा इसके कौन सा हो सकता है, या तो एक हो सकता है, या तो दो हो सकता है, या तो छह हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि चार के विपरीत में हम कन्फर्म नहीं जान सकते, हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो, पॉसिबिलिटी में बात करेंगे। ठीक है, किसमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो आपके सामने जब ऐसे केस में ऐसा आए तो हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे, कि जब भी आपके पास ऐसा आए तो ऑप्शन से हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। हम धीरे धीरे इसी को बढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन किया जाता, आगे बढ़ के हम देखेंगे। चलिए आपके सामने जो आ रहा है, पहले तो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि सिंगल पोजीशन डाइस है तो कभी कभी हो सकता है एग्जामिनर एकदम आपसे मोहब्बत करता हो और सिंपल सा क्वेश्चन दे दे कि आप चार ऑप्शन दे दे, पूछ दे भैया स्टैंडर्ड डाइस ही पहचान के दिखा दो हमें, चाहे नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही पहचान के बता दो। तो ऐसा नहीं है कि छोटे क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, कहां से लेके जीरो से लेके एकदम हीरो तक। ठीक, आ जाओ,
तो अब भैया पहला जो हमारा डाइस है इसे हम क्या करेंगे, मैंने आपको दोनों डाइस बता दिया कि कैसे पहचानना है, तो इसमें भी आपको वही पहचानना है कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब साधारण पासा है। मैंने बताया कि जब भी भैया आपके पड़ोसी मिलके सात बन जाएं तो वो क्या होंगे, साधारण, और जब भी आपके विपरीत मिलके सात बन जाए तो वो क्या हो जाएंगे, आपके स्टैंडर्ड डाइस। तो यहाँ देख लें क्या सात हो रहा है, कोई भी सत्ता, दो और तीन दो पांच हो गया, दो एक तीन हो गया, तीन एक चार हो गया, तो ये कोई भी पड़ोसी सतह मिलके साथ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भाई साहब स्टैंडर्ड हैं, ये अपनी स्टैंडेबिलिटी बनाए रखे हैं, तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ठीक है, अगले वाले ऑप्शन में बढ़ जाते हैं। इसे कैसे देखें, चार और तीन, देखे पड़ोस अड़ोसी पड़ोसी मिलकर साथ हो जाए तो समझ लो कौन है, साधारण आदमी है भैया, वो बहुत स्टैंडर्ड नहीं है, वो अपने पड़ोसी से मतलब रखता है, जो पड़ोसी अड़ोसी से बहुत मतलब रखता हो तो साधारण इंसान है, कि वो हमेशा पड़ोसी कहीं ना कहीं काम आएगा, कभी नमक घट जाएगा, कभी चीनी घट जाएगा, कभी चाय पत्ती घट जाएगा, इस वजह से ये क्या होंगे, मिलके क्या हुआ, साथ बना, और ये स्टैंडर्ड इंसान है, इनके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड अपना बनाए रखेंगे तो ये इनको पड़ोसी की जरूरत नहीं है। आगे वाले में बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं ये कौन से भाई साहब हैं, अमीर हैं या गरीब है, साधारण व्यक्ति हैं। पांच और दो, ये अड़ोसी पड़ोसी मिलकर बना दिए सात, तो समझ लो कौन सा पासा हो गया भाई साहब, जनरल पासा हो गया। हो गया, अगले पे आ जाते हैं, एकदम सिंपल फंडा, अड़ोसी पड़ोसी मिलकर हो गए सात, तो समझ लो जनरल इंसान है, और अड़ोसी पड़ोसी साथ नहीं हुए, विपरीत वाले मिलकर साथ हो गए, तो समझ लो कौन है, स्टैंडर्ड इंसान है। अब आ जाओ, चार दो छह ये हो गए, चार एक पांच ये हो गए, ठीक, दो और एक तीन हो गया, मतलब ये क्या हुआ, आपका स्टैंडर्ड है, ये अड़ोसी पड़ोसी मिलकर साथ नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका स्टैंडर्ड पासा कहेंगे, मानक पासा कहेंगे, भैया ये तो अपना मेंटेन रखे हैं, इनको किसी अड़ोसी की पड़ोसी की जरूरत नहीं है, इनके पास सभी सुख सुविधाएं मौजूद है। ठीक, तो बस ये याद रखना कि जनरल आपका सिंपल सा क्वेश्चन पहला अगर आपसे पूछेगा तो हो सकता है डाइस ही पहचानने के लिए पूछ दे। ठीक, चलो अब आ जाओ, अब इसी में मैं पूछ रहा हूं कि ये आपके पास एक सिंगल डाइस दिया है, क्वेश्चन आ गया सिंगल डाइस है दिया रहेगा, अब पूछ देगा चार के अपोजिट में क्या होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में सबका आ जाना चाहिए, मैंने सब फंडा बता दिया है, जितना सबको पता चल गया कि हाँ सिंगल डाइस का क्या होता है स्टैंडर्ड और आपका जनरल पासा, दोनों में से पहले आपको क्या काम करना होगा, पहले पहचानना होगा, पहला काम आपको कि डाइस की पहचान करनी है कि भैया ये इंसान कैसा है, ये साधारण इंसान है या स्टैंडर्ड इंसान है। ठीक है, तो पहले इसका पहचान करोगे तभी इसका आंसर निकलेगा, तो पहचान कैसे होगी, पहचान तो वही होगी अगर अड़ोसी पड़ोसी मिलकर साथ हो गए तो समझ लो वो साधारण है, तो तीन दो पांच, तीन एक चार, दो एक तीन, नहीं हुआ साथ तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, इसके अपोजिट साथ होंगे, तो कुछ नहीं सोचना भैया, चार से पूछ रहा है चार के अपोजिट में क्या होगा, जान लो कि अपोजिट इसके मिलके साथ बनते हैं, तो चार के अपोजिट में मानक में क्या होता है, तीन होता तभी तो साथ बनेगा, और तीन के अपोजिट में चार होता है, यही फंडा चलता है, डायरेक्ट आंसर मारोगे क्या, तीन भाई साहब, तीन होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर आ जाना चाहिए सबका, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बॉटम सरफेस पे क्या होगा, मैंने बताया ना बॉटम सरफेस मतलब क्या, ऊपर वाला टॉप कहेंगे, इसके टॉप के जस्ट अपोजिट में बॉटम होगा, ये फ्रंट होगा, फ्रंट के अपोजिट में क्या होगा, इस वाले फेस को क्या कहेंगे, फ्रंट कहेंगे, इस वाले को क्या कहेंगे भैया, टॉप कहेंगे, ये वाला राइट फेस होगा, तो राइट फेस के अपोजिट में लेफ्ट वाला होगा और टॉप के अपोजिट में नीचे वाला बॉटम होगा और फ्रंट के अपोजिट में पीछे वाला क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, तो वही आपसे पूछ रहा है कि बॉटम सरफेस पे क्या होगा, मतलब ऊपर वाला टॉप है तो बॉटम वाले में क्या होगा, मतलब अपोजिट पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, डाइस की पहचान करेंगे कि डाइस कैसा है हमारे पास। ठीक है, तो डाइस की पहचान कैसे करेंगे, देख लें पहले कि जनरल है कि साधारण, अड़ोसी पड़ोसी मिलकर सात बना क्या, चार दो छह नहीं बना, चार एक पांच, दो एक तीन नहीं बना, अड़ोसी पड़ोसी मिलकर साथ नहीं बन रहा है आपका, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका स्टैंडर्ड पासा है, स्टैंडर्ड पासा है, तो फिर से चार के अपोजिट में पूछ रहा है, मतलब बॉटम में पूछ रहा है कि बॉटम सरफेस पे क्या होगा, तो चार के अपोजिट में ही तो बॉटम आ रहा है, तो यहां भी हम कह देंगे तीन ही होगा भाई साहब, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाते हैं और आगे वाले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि क्या हमें निकालना है। ठीक है,
आगे पूछ रहा है कि अपोजिट ऑफ टू, दो के अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं पासा कैसा है। ठीक, पहली काम तो पासा अगर सिंगल दिया तो पहचानो वो सिंगल आपका कैसा है, स्टैंडर्ड है या साधारण पासा है। ठीक है, तो देख लें अड़ोसी पड़ोसी मिलकर अगर साथ बनाते हो तो भैया कौन से हो जाएंगे इंसान, ये जनरल इंसान हो जाएंगे, साधारण आदमी हो जाएंगे। तो मिल गए, 4 3 7 बना लिए तो समझ लियो क्या हो गया, ये आपका ये साधारण पासा हो गया। और साधारण पासा में हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, ये गांठ मान लो एकदम। ठीक, तो जो दिख रहा है जैसे हमारा 4 3 2, इन सभी सरफेस के अपोजिट में हम बोल सकते हैं जो नहीं दिख रहा है वो हो सकता है। वो क्या क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं इन तीनों सरफेस के अपोजिट में या तो 1 या तो 5 या तो 6 हो सकता है। अब बोले आपसे 4 के अपोजिट में क्या होगा, तभी भी हम कहेंगे या तो 1 या तो 5 या तो 6। आपसे बोले 3 के अपोजिट में क्या होगा तो कहोगे या तो 1 या तो 5 या तो 6। या आपसे बोले 2 के अपोजिट में क्या होगा, यहां भी वही सेम चीज, या तो 1 या तो 5 या तो 6। ठीक, तो ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन आपके पास सेट है ऐसा समझ लो, ऑप्शन ए मैंने दे दिया, इसमें दे दिया क्या आपसे 3 दे दिया 2 दे दिया, ऑप्शन बी मैंने दे दिया 5 6 दे दिया, ऑप्शन सी दे दिया आपका क्या 1 और वो हाँ C1 दे दिया, ऑप्शन डी जो मैंने दे दिया आपको क्या दे दिया, इसका सी में दे दिया मैंने आपको 5 दे दिया डी में। अब आपसे बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो जो दिख अड़ोसी पड़ोसी हैं वो आपके तो कभी अपोजिट होंगे नहीं, तो 4 3 2 आपसे अगर पूछा है कि दो के अपोजिट में क्या होगा तो हम जानते हैं जो इनके पड़ोसी सतह वो तो अपोजिट नहीं हो सकते, मतलब 4 और 3 तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहां 3 दिया है तो ये वाला ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं, 3 तो कभी अपोजिट में जा ही नहीं सकता, इसे हटा दो। ठीक, और 2 तो वही सरफेस था। उसके बाद से बोला 5 और 6, तो मैंने बताया ना आपसे 4 के अपोजिट में 1 5 या 6, 3 के अपोजिट में 1 5 या 6, 2 के अपोजिट में 1 5 या 6, मतलब पॉसिबिलिटी है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, तो 1 हो गया तो 5 हो गया तो 6। तो यहां हमें क्या दिख रहा है, 5 6 दिख रहा, तो हम कहेंगे ये बी सही होगा। ठीक है, या तो 5 या तो 6, एग्जैक्ट तो बता नहीं रहा, ये दोनों एग्जैक्ट हैं तो एग्जैक्ट तो हम बता ही नहीं सकते। ठीक, अगर आपके पास ऑप्शन ऐसा सेट होके आ जाए कि ऑप्शन सीधे सीधे दिया हो, ऑप्शन ए दिया हो 1, ऑप्शन बी दिया हो 5, ऑप्शन सी दिया हो 6, ऑप्शन डी दिया हो कैन नॉट बी सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इस केस में अगर आपका ऑप्शन ऐसा दिया है तो इस केस में हम ऑप्शन डी मारेंगे, ना कि इनमें से कोई मारेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर है। और एग्जैक्ट आंसर आता नहीं है अगर आपका सिंगल डाइस दिया हो, सिंगल पासा दिया हो, और वो पासा आपका कैसा हो, साधारण पासा हो, तो कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो इस केस में अगर ऑप्शन ऐसे सेट करके एग्जामिनर दे रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट क्या मारना है कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक आपका पॉसिबिलिटी में ऑप्शन नहीं सेट किया जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखो, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये आपका रहा इसमें कुछ क्वेश्चन आपका सिंपल सा कि सिंगल डाइस दे दे तो आपको कैसे निकालना है अपोजिट में। बाकी हम क्वेश्चन सेशन में क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, हमने बता दिया फंडा, क्योंकि क्वेश्चन सेशन में क्या करोगे, वही रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि सिंगल डाइस क्या क्वेश्चन बन जाएगा, यही सिंपल क्वेश्चन बनेगा, एक सिंगल डाइस रहेगा तो आपको पहचान करना है स्टैंडर्ड होगा या नॉन स्टैंडर्ड होगा। पहचान कर लोगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा, स्टैंडर्ड होगा तो उसका डायरेक्ट आंसर है क्योंकि वो मानक पासा है, नॉन स्टैंडर्ड है तो पॉसिबिलिटी में आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते दूसरा केस मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, केस 2 है। इस केस में आपको क्या होगा कि 2 डाइस पोजीशन की दिया रहेगा, आपका डाइस का जो है 2 पोजीशन दिया रहेगा, तब आपको आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। वो 3 मेथड है कि जब भी आपका 2 पोजीशन दिया हो डाइस में तो वो 3 तरीके से दे सकता है। उसमें एक हो सकता है कि आपका एक फेस कॉमन हो डाइस का, हो सकता है आपका 2 फेस कॉमन हो डाइस के, जो दोनों पोजीशन हो कि कोई भी 2 सरफेस दोनों में क्या हो कॉमन हो, कोई भी आपके दोनों पोजीशन में एक सरफेस कॉमन हो तो 1 फेस वाला हो लग जाएगा। और तीसरा आपका बनेगा 9 फेस कॉमन, जब आपके दोनों पोजीशन में डाइस के कोई भी फेस कॉमन ना हो तो हम क्या कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर हम पहले को ले लें कि एक फेस कॉमन हो, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया हूँ कि एक फेस कॉमन मतलब कि आपका पोजीशन जो दिया है डाइस के 2 पोजीशन दिए हुए हैं, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं किस पे कि जब आपके डाइस के 2 पोजीशन दिए हों क्वेश्चन में, जैसे 1 2 3 यहाँ लिखा है, 3
चार पांच यहां लिख दिया गया। तो इसमें मैंने क्या बताया कि पहला वाला जो आपका उसमें क्वेश्चन बनेगा वो इसी से बनेगा कि आपके एक फेस कॉमन हो दोनों पोजीशन में। तो कौन सा कॉमन हो गया, तीन यहां कॉमन है, तीन यहां कॉमन है। तो इसको कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं हम आगे देखेंगे। दूसरा आपका दो फेस कॉमन हो, जैसे ये आपका दे दिया, ठीक है, तो एक दो यहां दे दिया, तीन यहां दे दिया, दो एक यहां, चार दे दिया, तो यहां दो फेस कॉमन हो गए, ठीक है, दो फेस कॉमन हो गया। तो इस वाले केस को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके दो पोजीशन दिया डाइस का और उसमें दो फेस कॉमन हो गया, अगर अपोजिट पूछ रहा है तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। अगला है हमारा नो फेस कॉमन। नो फेस कॉमन में हम क्या करेंगे, नो फेस कॉमन का मतलब आप समझ लो ये डायग्राम आपका दिया, ठीक, एक दो तीन यहां लिख दिया गया और दूसरे वाले डायग्राम में आपका चार पांच छह लिख दिया गया। तो भैया इस केस में अगर दोनों पोजीशन दिया तो इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो इन तीनों केसेस के हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे कि जब भी ऐसा आ जाए तो नो फेस कॉमन वाले में जब भी आएगा तो हमें जो हम अभी तक स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पढ़े ना कि स्टैंडर्डाइज ठीक और आपका जनरलाइज साधारण पासा उसका यूज करके इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं जब कोई भी फेस कॉमन नहीं होता है, ठीक। चलो तो हम एक एक करके बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे। पहला है हमारे पास दो पोजीशन डाइस का, उसमें से सिर्फ एक फेस अगर कॉमन हो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जिसको आता है वो कमेंट करके देख बता दे इसका आंसर क्या होगा, जिसे नहीं आता मैं तो हूं खड़ा, ठीक है। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते। जब भी आपके पास एक फेस कॉमन हो, दो पोजीशन डाइस की दी गई हो, तो आपको मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में कि दो क्वेश्चन आपके फेस दिया रहता, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करता है पेपर में, तो दो डाइस का आपका दिया रहेगा पोजीशन और उसमें से हो सकता है एक फेस कॉमन मिल जाए, हो सकता है दो फेस कॉमन मिल जाए, अभी मैं एक फेस के बारे में बात कर रहा हूं। तो एक फेस कौन सा कॉमन है, एक दो तीन, तीन चार पांच, इसमें तीन कॉमन है। तो भैया जो कॉमन हो उस फेस के ऊपर नीचे लिख लो, ऐसे मैंने लिख लिया। अगला प्रोसेस ये करना है कि जो फेस कॉमन मिल जाए उससे घड़ी की दिशा में चलना है। दूसरा स्टेप नोट करो, पहला स्टेप कि जो फेस आपको कॉमन मिल जाए ऊपर नीचे लिख लो उस फेस को, उसके बाद से उस फेस से हमें घड़ी की दिशा में चलना होगा। तो भैया घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ऐसे क्लॉकवाइज तो ही है, तो हम घड़ी की दिशा में यहां से चलेंगे तो और उसे लिख भी लेंगे। कैसे गए, पहले तीन से दो गए, फिर दो से एक गए, उसी हिसाब से दूसरे वाले में भी चलेंगे घड़ी की दिशा में। ये लो घड़ी की दिशा में चलोगे तो दूसरे वाले में कैसे चलोगे, तीन से चार गए और चार से पांच गए। अब हमने ऊपर नीचे लिख लिया तो जो एक दूसरे के सामने आएंगे आमने सामने वो अपोजिट हो जाएंगे, देखो ये वाले तो फोर टू के अपोजिट होगा, फाइव वन के अपोजिट होगा, और जो बच गया एक से छह तक नंबरिंग होती है ना, तो एक से छह तक नंबरिंग में क्या बच गया भैया, आपका एक दो चार पांच तीन तो यूज हुआ है, बचा क्या है आपका तीन, आपका एक दो तीन चार पांच, एक ही बचा है, क्या बचा है, छह बच गया है। तो हम कहेंगे तीन के अपोजिट में क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, मतलब जो बच गया यहां से, देखो एक यूज हो गया, दो यूज हो गया, तीन यहां है ही है, चार यूज हो गया, पांच यूज हो गया, बचा क्या, छह, तो वही छह जो है तीन के अपोजिट में हो जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज रूल से हम पता कर सकते हैं, इसे क्या कहोगे, क्लॉकवाइज रूल कहोगे। इससे हम क्या करते हैं कि जब भी आपके डाइस की दो पोजीशन दिया हो उसमें एक फेस आपका अगर कॉमन हो तो हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलना शुरू कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही रूल है, सिंगल फेस कॉमन वाला, ठीक है, इससे हर एक फेस का अपोजिट सबका फेस मिल जाता है। देख लो कैसे, यहां हमें एक के अपोजिट में पांच मिल गया, हमें दो के अपोजिट में चार मिल गया, तीन के अपोजिट में आपका छह मिल गया, मतलब सभी फेस के अपोजिट में मिल गया। इस रूल से सभी फेस का हमें अपोजिट पता चल जाता, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा रूल, यही रूल है, ठीक है, तो याद रखो इसे। अब आंसर आपसे क्या पूछेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले कि किसके अपोजिट, दो के अपोजिट क्या होगा, डायरेक्ट बता दो, हाँ यहां से चार, एक के अपोजिट क्या होगा, पांच, तीन के अपोजिट क्या होगा, छह, ठीक, तो आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये वन फेस वाला क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन को। अगला इसमें क्वेश्चन बनता है, इसी में
आपका मैंने यहाँ तीन फेस बन, दो से ज्यादा मैंने डाइस बना दिया, मगर हमें यूज करना है किसका, दो ही का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है इस फेस का, हमें पता करना है कि क्या होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको हम कैसे पता करेंगे, इसी दोनों के हेल्प से हमें उसे निकालना होगा। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, तो क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा फेस कॉमन है इन दोनों डाइस में। तो देख ले, हमें चार जो है कॉमन मिल रहा है ना, ये देखो चार, ठीक। तो हम चार को ऊपर नीचे लिख लें, यहां से क्लॉकवाइज चले तो 4 2 3 होगा, और यहां से चले तो 4 5 6 होगा, यही तो होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें यह बताना है कि भैया यहां पे क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी जो तीन के अपोजिट में होगा, मैं हमें देखो तीन के अपोजिट में 6 है, 2 के अपोजिट में 5 है, और 4 के अपोजिट में क्या होगा, जो बच गया, बचा क्या है, यहां से 2 और 5 यूज हो गए, 6 और 3 यूज हो गए, बचा क्या आपका 1। तो 1 किसके अपोजिट में होगा, 4 के अपोजिट में होगा। तो हम ये जान सकते हैं कि यहां 4 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी पड़ोसी आपके अपोजिट सरफेस कभी पड़ोसी नहीं बनते। मैंने बताया ना कि जब कोई आपका अपोजिट होगा, जैसे बोला गया 1 के अपोजिट में 4 होगा, तो 4 इधर होगा, वो पड़ोसी नहीं बन सकता है, ठीक है, यहां नहीं आ सकता। तो आपका पहला ऑप्शन तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि 1 4 साथ में नहीं रह सकते, कभी भी विपरीत वाले, जिनकी मानसिकता विपरीत हो, वो कभी एक साथ नहीं रह सकते, इतना ध्यान रखना। तो विपरीत वाले एक साथ नहीं रह सकते, तो 1 की 4 में विपरीत होता है, तो 4 यहां नहीं हो सकता, 4 इसका पड़ोसी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 4 तो कैंसिल हो गया ऑप्शन से। 3 है, तो 3 के विपरीत में कौन होगा भैया, 6। तो भैया ये जान लो, 3 के विपरीत में जो अंक होगा वो तो कभी पड़ोसी नहीं बनेगा ना, विपरीत मानसिकता है उसकी, तो वो कभी उसका साथ नहीं देगा, उसका पड़ोसी नहीं हो सकता, वो हमेशा उसके अपोज में होगा। तो हम 6 को भी कहेंगे कि यहां नहीं होगा, ठीक है। अब बचा आपके पास क्या, 3 और 5। तो 3 तो पहले ऑलरेडी है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो अब आपका बचा क्या ऑप्शन में, 5 ही तो बचा, तो हम क्या कह देंगे कि यहां हमारा क्या होगा आंसर, 5 होगा। तो ये तो ये हो गया कि आप ऑप्शन नेगलेक्ट करके आंसर निकाल लिए। इसी में एक दूसरा टाइप पूछता है, उसे देख लेते कि उसे क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे तो वहां पे। तो आपका जो दूसरा वाला होगा उसे हम देख ले, क्वेश्चन यही है सेम, मगर इसमें क्या करोगे, जब करोगे ऑप्शन से नेग्लेक्ट, तो इसमें 2 ऑप्शन बच जाएगा। अभी मैं दिखाता हूं, देखो पहले हमें दोनों इस डाइस को लेना है जो सही है, जिनमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, उससे हम अपोजिट सरफेस निकाल लेंगे सबके। तो यहाँ 4 सब में कॉमन है, तो ऊपर नीचे 4 लिख दिए, यहां से घड़ी की दिशा में चले तो 4 2 3 हो गया, यहां से चले तो 4 5 6 हो गया, 2 के अपोजिट में 5 हो गया, 3 के अपोजिट में 6 हो गया, बचा क्या आपका 1 बचा, तो 1 के अपोजिट में 4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, बोलो हो जाएगा। अब देखो 2 है 3 है, जो 2 के अपोजिट में होगा वो तो यहां नहीं होगा ना, क्योंकि कभी भी विपरीत मानसिकता एक साथ नहीं आ सकती, ये ध्यान रखो। तो विपरीत मानसिकता जैसे 3 है, तो 6 कभी भी उसका पड़ोसी नहीं बनेगा, मतलब 6 यहां नहीं हो सकता, ऑप्शन ए खत्म। 2 है तो 5 नहीं हो सकता, यहां पे इसका पड़ोसी नहीं बन सकता, तो अपोजिट सरफेस वाला है ये, तो ये कभी उसका पड़ोसी नहीं बनेगा, ठीक। तो ये 6 और 5 तो कैंसिल हो गए। अब बचा आपके सामने 1 और 4, ठीक है, ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं 1 और 4, और ये यहां कहीं दिख नहीं रहा कि हम नेगलेक्ट कर दें ऑप्शन को, 2 ऑप्शन में हम फंसे हुए हैं कि यहां 1 होगा या 4 होगा। तो उसके लिए जब भी ऐसा होगा तो कोई एक डाइस आपका हूबहू ऐसे ही मिलेगा, देखोगे तो तीसरे डाइस की तरह कोई एक और डाइस होगा, तभी आप इसका आंसर निकालोगे। जैसे यहां देखो, पहले वाला पोजीशन जो डाइस है, यहां भी 2 3 अंक है, यहां भी 2 और 3 है। अब हमें यह पता करना है, तो अगर हूबहू ऐसे होता कि जैसे हमें एक बता दूं कि जो भी आपके पड़ोसी सतह होंगे, जैसे यहां पे है, ठीक, ये 2 है, ये 3 है, यहां 4 है, ठीक, तो इसके साथ और कौन सा एक पड़ोसी रहता है, एक इस साइड भी तो रहेगा, ठीक है, ये तो इसके 4 और 3 है पड़ोसी में, 4 और 3 और एक इस साइड वाला भी तो रहेगा, एक इस साइड वाला भी तो रहेगा, ठीक।
तो वही बात है कि ये हो सकता है कि दो और तीन ऐसे हुए हैं तो यहाँ कोई और आ जाए, ठीक, उसका तो कोई और एक पड़ोसी आ जाए, मतलब पड़ोसी एक ये वाला भी हो सकता है, इस साइड वाला भी हो सकता है, तभी हमें चार पता है, हमें हो नहीं सकता कि इस साइड वाला कौन होगा, मेनली इस साइड वाला हमें उसका पड़ोसी कौन होगा, एक ही तो विपरीत साइड होता है, इसलिए हम इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में कंपेयर ये करेंगे कि देखेंगे कि डिजिट आपका सेम लिखा है या अपोजिट में लिखा है, ठीक है। जैसे अगर सेम लिखा है, जैसे यहां पे दो और तीन और चार, दो से तीन गए, तीन से चार गए, और उस वाले में भी ऐसे हुआ कि दो से तीन जाए और तीन से चार आए, देखो यहां से दो से तीन की डायरेक्शन ये है और यहां पे दो से तीन की डायरेक्शन कैसी है, यहां से ये घड़ी की दिशा में है और ये घड़ी की विपरीत दिशा में है। अगर सेम होता तब तो यहां पे हम बोल देते थे चार ही होगा, अगर मान लो यहां ऐसे होता, ये थर्ड वाली पोजीशन हमारी कि यहां टू यहां थ्री यहां क्वेश्चन मार्क होता तो हम डायरेक्ट बोल देते थे फोर होगा आंसर, क्योंकि सेम फिगर यहां मिलता। ऐसा नहीं मिल रहा है, क्यों, देखो यहां से हम जब जा रहे हैं तो टू से थ्री क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, मगर यहां से जब टू और थ्री को देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्शन क्लॉक, ये एंटी क्लॉक अपोजिट हो गए डायरेक्शन, इसका मतलब अब ये होगा कि चार नहीं होके क्या होगा, उसका विपरीत वाला होगा, जैसे यहां चार था तो इसका विपरीत वाला ही तो इधर दो का पड़ोसी बनेगा, ठीक, तो इसका विपरीत वाला बनेगा, तो इसका मतलब चार का विपरीत क्या होगा, एक होगा, तो चार तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो बचा क्या यहां से एक, तो आंसर हो जाएगा क्या हमारा एक, ठीक। तो ऐसे निकालना होगा, जब भी ऐसा हो जाए कि ऑप्शन में आपके दो फंस जाएं, डाउट हो, तो आप उसमें से देखना कि कौन सा डाइस से उसकी पोजीशन मिल रही है, उसके बाद से उसकी डायरेक्शन चेक कर लेना कि डायरेक्शन क्या है, ठीक, उसके बाद से डायरेक्शन चेक करने के बाद देखना कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो वही अंक हो जाएगा, नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका अपोजिट वाला डायरेक्शन होगा, जैसे यहां पे चार के अपोजिट में क्या था एक, तो इसीलिए यहां पे एक सेटिस्फाई करेगा, तो इस वाले पोजीशन पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला टाइप आपसे पूछता है इसमें कि ये दो पोजीशन दिया है, आप पूछेगा कि इससे कौन सा सेम हु बहु तीसरा कौन सा बन सकता है, ठीक है, कि इनमें से एक डाइस कौन होगा जो सेम इसी का तीसरा पैटर्न होगा, ठीक, तीसरी पोजीशन वाला होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हमें एक फंडा याद है ना कि विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकते, ठीक, विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। बस देख लेते हैं कि पहले इनका हम देख लेते हैं, विपरीत निकाल लेते हैं, इसमें से देखें कॉमन क्या है, छह है, एक सरफेस मिल गया, तो यहां से चलेंगे छह दो चार और यहां से चलेंगे छह एक तीन, ठीक है, तो यहां समय मिल गया चार के अपोजिट में तीन, दो के अपोजिट में एक, तो छह के अपोजिट में क्या बचा है पांच, ये अपोजिट में हो जाएगा क्योंकि पांच ही बचा, तो यहां से हमें यह पता चल जाएगा कि जो विपरीत होंगे वो इनके पड़ोसी नहीं होंगे, ठीक। तो यहां से हम ऑप्शन नेगलेक्ट कर लेंगे, जैसे पांच दो छह लिखा है तो पांच के अपोजिट में देखो यहां छह है ना, पांच के अपोजिट में छह, दो के अपोजिट में एक, चार के अपोजिट में तीन, तो पांच के अपोजिट में छह, तो ये कभी पड़ोसी नहीं सोते, ये विपरीत मानसिकता वाले हैं भाई, तो कैसे आप पड़ोसी बना दिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। चार तीन पांच में देखो चार और तीन तो अपोजिट हैं और हमने इन्हें पड़ोसी बना लिया, तो ये झगड़ने लगेंगे, कहेंगे नहीं हमें हटाओ, मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं नीचे जाऊंगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी को देख लेते हैं, चार पांच दो, चार पांच दो, देखो चार ये हो गया, पांच ये हो गया, दो ये हो गया, मतलब ये कहीं किसी के कॉमन नहीं आए, कोई अपोजिट वाला नहीं आया, सभी सरफेस क्या है, देखो चार यहां है, पांच यहां है, सब दोनों तीनों इधर इस साइड वाले हैं, इधर इधर वाले नहीं है, तो ये यही इसकी तीसरी पोजीशन होगी, सेम हु बहु इस डाइस की अगर हम तीसरी बार फेंके तो हमारी ये पोजीशन होगी। इसे देख लें, एक दो और तीन, एक दो और तीन, भाई देख लो एक के अपोजिट में दो है तो ये कैसे हो जाता, वन तो अपोजिट है ना दो के, तो ये पड़ोसी नहीं बन सकता, विपरीत कभी पड़ोसी नहीं बन सकता, तो विपरीत मानसिकता वाले एक साथ नहीं रह सकते, तो ये नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से जो मैंने आपका फिलर वाला बताया वो अल्फाबेट्स में भी पूछ सकता है। देखो जो डाइस आपका जिसमें स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड होता है, आपका अल्फाबेट्स जितने भी डाइस होंगे, जितने भी सिंबल वाले डाइस होंगे, सब नॉन स्टैंडर्ड होंगे, मतलब साधारण भाषा होंगे,
क्योंकि वो कभी ऐसा आपको दिखता नहीं है, ये सिर्फ इस किताबों की दुनिया में ऐसी होती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया अब आप हमें ये बता दीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, दो डाइस दिया हुआ, तो जैसे न्यूमेरिकल वाला सॉल्व किए वैसे इसे भी सॉल्व करना है। देखो छह फेस होते हैं, तो छह से लेके छह डिजिट तक आपका लिखा रहेगा, ए से लेके कहां तक, एफ तक, तभी तो सिक्स होगा। ए से लेके सिक्स, एफ कितने पे आता है, सिक्स पे आता है, तो छह फेस कवर किया गया है। इसमें से हम देख लेते हैं पहले कि कॉमन सरफेस कौन सा है, ई है, तो ई को हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ई से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई ए बी होगा, और यहां से चलेंगे तो ई सी एफ होगा, तो हमें सबका अपोजिट मिल जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, जो बचेगा ए बी सी डी नहीं हमारा यूज हुआ, तो डी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, इतना कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि यहां क्वेश्चन मार्क वाले में क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क में याद रखना कि इसके विपरीत पड़ोसी नहीं बन सकता, विपरीत मानसिकता साथ में नहीं आ सकती है। तो विपरीत मानसिकता भैया ए के साथ सी, मतलब सी ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा, ये यहाँ जा ही नहीं सकता। इसका और इससे जो है अनबन है कि हम यहाँ तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे साथ मकान नहीं बनाएंगे, तो ये कहाँ जाएगा, उसके विपरीत ही जाएगा। ठीक, एफ को देख लें भैया, तो बी और एफ देखो अपोजिट है ना, तो इसीलिए बी और एफ यहाँ नहीं हो सकते। एफ कहाँ होगा, पीछे होगा, यहाँ नहीं होगा, उसके साथ नहीं उसकी बैठेगी। ठीक है, उन दोनों में क्या है, ठनबन है भैया, नहीं होगा, तो एफ बी ऑप्शन यहाँ नहीं होगा। अब बचा आपके साथ ने दो ऑप्शन, अब इन दो ऑप्शन में डी और ई दोनों यही ऑप्शन बच रहे हैं कि कौन होगा, डी होगा या ई। मैंने बताया कि जो आपका ऐसा होगा, ऐसे हूबहू डाइस आपके इधर क्वेश्चन वाले फेज में कहीं ना कहीं दिया होगा। देख लेते कैसे दिया है, ये पहला वाला जो डाइस और ये वाला डाइस दिया है, देखो ए और बी इसमें भी है और ए भी इसमें है, इसमें नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो मैंने बताया तब क्या करेंगे, हम डायरेक्शन चेक कर लेंगे इन दोनों में कि ए से बी कि यहाँ पे ई होगा या डी होगा। अगर हूबहू सेम मिल जाता है डायरेक्शन तो भैया ई ही होगा, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ ई है, तो ए से बी गए कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो बी से ई भी आएंगे तो क्लॉकवाइज। मगर यहाँ जब देखें ए से बी जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो रहा जा रहा है इसके और इसके फेज में, तो यहां भी क्या हो जाएगा, जब ई नहीं होके तो इसका अपोजिट वाला हो जाएगा, अपोजिट में क्या होगा इसके, डी होगा। तो इसका मतलब कि यहां से ए और बी एंटी क्लॉकवाइज में, यहां क्लॉकवाइज में है, तो इसका मतलब यहां आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई ना होके आपका उसका अपोजिट वाला सरफेस हो जाएगा डी, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, अगर यहाँ पे ए लिखा होता, यहाँ बी लिखा होता तो यहाँ ई ही होता, मगर यहाँ ऐसा नहीं लिखा है तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो है ये आंसर डी होगा, ई के अपोजिट वाला फेस। ठीक, चलो तो ये तो आपका हो गया, अभी तक हमने पढ़ लिया कौन सा टाइप, टाइप वन जो मैंने हमने पढ़ा कि उसमें आपका कितना जो है क्वेश्चन बनता है वन फेस कॉमन करके, उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि अगर आपका कोई भी सिंगल फेस कॉमन मिल जाता है वो कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आपका ये जो रूल है कह सकते हो ऐसा ब्रह्मास्त्र है, इसे चला दोगे तो हर आंसर आपका आ जाएगा। तो अगले वाले हम सेशन में बात करेंगे आपका टू फेस कॉमन और नो फेस कॉमन के बारे में। तब तक के लिए सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, और जैसा लेक्चर लगे कुछ अच्छा अच्छा कमेंट कर दिया करो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।